हेलो दोस्तों, आज वुमेन्स डे है तो आप लोगों को वुमेन्स डे की बहुत बधाइयाँ हो सबके लिए। बहुत बेस्ट विशेस। और उसके साथ में एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो लेकर मैं आपके सामने आई हूँ जो कि बहुत से लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे हस्बैंड भी एक किडनी पेशेंट है, तो मैं समझ सकती हूँ किडनी पेशेंट का दर्द क्या होता है जब उसको डायलिसिस में पड़ जाता है, या फिर शुरुआती से ही बीमारियां बहुत बड़ी होती हैं, उनके खर्चे बहुत बड़े होते हैं, इंसान टूट जाता है अंदर से। और जब वो डायलिसिस की स्टेज पे आता है, देखिए एक डायलिसिस का खर्चा 4 से 5 हज़ार रुपये होता है, और वीक में जब दो दो तीन तीन डायलिसिस होती हैं, तो आप समझ सकते हैं एक नॉर्मल सा एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान उस खर्चे को कैसे उठाता होगा, है ना। वो बहुत परेशान हो जाता है, और इसलिए जब ये डायलिसिस शुरू होती है तो फैमिली में बहुत टेंशन वाला माहौल आ जाता है। और वो पेशेंट जो इस बीमारी से जूझ रहा है वो तो परेशान है ही, भाई या बहन हमारा। तो अभी मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है तो मुझे पता है कि इसको फेस करना कितना डिफिकल्ट है दोस्तों। तो मेरे पास में आई थिंक आपको भी ये न्यूज़ मिल ही गई होगी, तो मैंने सोचा हो सकता है कोई ऐसा मेरा जो मेरे मेरे ब्लॉग्स के साथ जुड़ा हुआ है और उनको नहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मेरे वीडियोस पे दो तीन मेरे फ्रेंड ऐसे हैं जिनके यहाँ किडनी प्रॉब्लम, मतलब जिनके फैमिली में भी किडनी डायलिसिस चल रहे हैं। आज एक कमेंट भी आया था मेरी एक प्यारी सिस्टर का, उनके हस्बैंड की भी डायलिसिस चल रही है। तो स्पेशली डियर आप ही के लिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। तो देखिए दिल्ली में गुरुद्वारा साहिब की तरफ से एक हमारा पहला ऐसा इंडिया में हॉस्पिटल खुला है किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल के नाम से, जिसमें कि 100% फ्री डायलिसिस है। कैन यू इमेजिन कि 100% फ्री डायलिसिस हो सकती है, और कहाँ पे जहाँ इतने महंगे महंगे इलाज और इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लगती हैं डायलिसिस में, और इतना खर्चा हो जाता है 5 हज़ार का, वहीं पे बिल्कुल फ्री डायलिसिस। तो आप लोग जरूर कंसल्ट करना वहाँ पे। और ये हमारे देश का सबसे ज़्यादा हाईटेक हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है किडनी डायलिसिस के लिए। और यहाँ पे लगभग कितने बेड्स, एक दिन में लगभग 500 डायलिसिस वहाँ पे मैंने सुना है, न्यूज़ देख रही थी मैं तो वहाँ से जो न्यूज़ आ रही थी, मेरे फ़ोन पे भी एक दो वीडियोस आए, तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। और एक बहुत ही बड़ी बात यह है कि उस हॉस्पिटल में जो होता है ना काउंटर होता है, कैश काउंटर होता है ना जहाँ पे हम कैश जमा करते हैं, तो वो ही नहीं है। तो देश में पहली बार इतना अच्छा काम हो रहा है, और हम लोगों को इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। देखिए अगर एक भी बीमार आदमी को मेरी इस वीडियो की वजह से, या फिर देखिए वो तो इतना भला काम कर ही रहे हैं और उनको कितनी ब्लेसिंग्स लगेंगी, और गुरुद्वारे की तरफ से हमेशा लोगों को हेल्प मिलती है। और मुझे बहुत ही इस चीज़ से बहुत खुशी है कि मतलब हमारे देश में कुछ ऐसा काम पहली बार हो रहा है, कभी आज तक ऐसा कुछ काम हुआ नहीं है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए दोस्तों। तो 100% फ्री है वो, तो आप लोग ज़रूर वहाँ पर जाइएगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस हो तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए, कभी कभी बीमारी का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो किसी किसी भी पेशेंट का, किसी भी भाई बहन का इलाज सिर्फ इसलिए कि वो पैसे की कमी में है ना रुके, क्योंकि इसका जो दर्द है ना वो एक वही इंसान समझ सकता है जो इसको झेल रहा है। तो मेरी फैमिली, मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग झेल रहे हैं इस परेशानी को, हमें पता है कि कितना खर्च और कितनी डिफिकल्टीज आती हैं। तो आप लोग ज़रूर, अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जिनके यहाँ डायलिसिस चल रहे हैं पेशेंट्स के, तो आप ज़रूर शेयर करना मेरी इस वीडियो को। और बस मैं ये चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, तो मुझे लगा कि मुझे भी शेयर करनी चाहिए ये वाली बात, तो मैंने किया दोस्तों। तो चलिए कल को एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में मिलती हूँ। नमस्कार दोस्तों, प्लीज़ शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे जो परेशान लोग हैं उनको हेल्प मिल जाए, क्योंकि जब बीमारी घर में आती है ना तो इंसान बहुत टूट जाता है, बहुत टूट जाता है। चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय दोस्तों।